जैसे आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं, तो आपने मान लीजिए कहीं पे डीजे बजाया हुआ है, आपका डीजे बहुत तेज़ बज रहा है और आपकी बेस पे धब 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 बेस जा रही है। और फ्रेंड्स देखिए, जब भी आपका डीजे बजता है तो आपका स्पीकर, जैसे बेस बजेगी तो स्पीकर आपके नज़दीक ऐसे बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। अब जैसे ही आपकी बेस बजी, धूम, स्पीकर फैल गया, ऐसे फैल गया, और फैलने के बाद वो रिटर्न नहीं हुआ है अपनी जगह पे, उसका उसकी कॉइल रिटर्न नहीं हुआ है, फिर से पीछे से बेस आ गई है, तो क्या होगा, आपकी बेस फटने लगती है। फ्रेंड्स यही वो क्रॉसओवर है जिसके बारे में आज आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। और दोस्तों, इसको लाइव साउंड सेटअप में और डीजे साउंड सेटअप में आप कैसे यूज़ करेंगे, इसकी हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। आप लोगों को इस क्रॉसओवर के बारे में कंप्लीट आज आपको नॉलेज मिल जाएगी, कहाँ से इनपुट किस चीज़ के लिए लेना है, आपको स्टेज में इसको कैसे यूज़ करना है, डीजे में कैसे यूज़ करना है और साउंड सेटअप में कैसे यूज़ करना है, आपको इस पे कहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको इसकी फुल डिटेल आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अच्छी अच्छी टेक्निक अपने चैनल पर बताते जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये टेक्निक मैं किसी और हिसाब से नहीं बताता हूँ, मैं ये टेक्निक्स मैंने खुद अपने अनुभव से, जो मैं फील्ड में अनुभव करता हूँ, वो सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और इस वीडियो में आप क्रॉसओवर को जानेंगे, क्रॉसओवर का कंप्लीट यूज़ आप जानेंगे। आज आप उसकी वो टेक्निक मैं आपको बताऊँगा जो टेक्निक शायद ही आपने यूज़ की हो। क्रॉसओवर को टू वे, थ्री वे, फोर वे मोड में आप कैसे यूज़ करेंगे, डीजे और लाइव साउंड सेटअप में क्रॉसओवर को कैसे यूज़ किया जाता है, और उसको ये तो सभी बताते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है, मगर मैं आपको जो टेक्निक्स बताऊंगा, उन टेक्निक्स से आप इस क्रॉसओवर की ऐसी चीज़ें जान जाएंगे जिनसे आपका सिस्टम भी कभी ख़राब नहीं होगा, आपका एम्पलीफायर, आपके स्पीकर्स बचे रहेंगे और आप बिना खर्चे के, बिना खर्चा किए अपने सिस्टम से पैसे कमाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे साउंड से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स की वीडियो अपलोड हो रखी हैं, आप उन्हें ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मेरे चैनल से मिलने वाली है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और चलिए चलिए दिखाता हूँ आपको वीडियो में नेक्स्ट क्रॉस। फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ इसके बैक पैनल से। बैक पैनल से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसका बैक पैनल पूरा समझ लें, ताकि जब मैं आपको इसका फ्रंट पैनल समझाऊँ तो आपको मैं सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहें कि मैं आपको क्या चीज़ बोल रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले बैक पैनल शुरू करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ये रहा इसका 15 वाट का, ये 15 वाट का होता है, DBX है, प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, मेड इन USA है। और फ्रेंड्स, इसको जो हमें अवेलेबल करवाता है वो है हरमन इंटरनेशनल। और फ्रेंड्स, साउंड की टेक्नोलॉजी में इसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये मोनो मोड जब मैं आपको पैनल में बताऊंगा तो मोनो फोर वे मोड में यह कैसे काम करता है वो आपको दिखाऊंगा। स्टीरियो थ्री वे, स्टीरियो टू वे, यह टू वे, थ्री वे और फोर वे, तीन मोड में यह काम करता है फ्रेंड्स। और इसका बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट, इतना ज़बरदस्त आउटपुट है कि आपके सिंपल से, साधारण से जो स्पीकर्स और HF प्रोडक्ट हैं जो आप लोकल परचेज कर लेते हैं, उनको भी यह एक ऐसी साउंड में बदल देता है जैसे आप JBL की साउंड सुन रहे हो। फ्रेंड्स, ये है इसका हाई आउटपुट और ये है मिड, इस पर लिखा है नॉट यूज्ड। ये नॉट यूज्ड क्यों लिखा है ये मैं आपको फ्रंट पैनल से बताता रहूँगा, आप इन चीज़ों को समझते चले जाना। और यह है इसका हाई और मिड, ठीक है फ्रेंड्स। और यह है इसका चैनल टू नॉट यूज्ड, ये है इसका लो। और फ्रेंड्स, ये है एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी, जब आप इस स्विच को ऑन कर देंगे तो लो मिड और लो हाई फ्रीक्वेंसी इसकी 10 गुना हो जाएगी, जो आपने आगे से सेट किया है। अगर आप इस स्विच को प्रेस कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 10 गुना बढ़ जाएगी, आपके चैनल में 10 गुना बूस्ट हो जाएगी। आपसे आपका कितना भी पुराना स्पीकर हो, कितनी भी पुराना कुछ भी हो, HF वगैरह हो, उसमें क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। अब मैं वैसे मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अच्छा सामान अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप 1:1 पे ही रहने दीजिएगा फ्रेंड्स। ये है इसका इनपुट, इनपुट चैनल टू का इनपुट है। और दोस्तों, ये हैं इसके मोड, ये है मोड सिलेक्शन स्विच। अगर आपने इन दोनों, इस स्विच को बाहर कर दिया है और इस स्विच को अंदर प्रेस कर दिया है, तो यह फोर वे मोड में काम करेगा। और जब यह फोर वे मोड में आ जाएगा
तो फिर आपको मोनो चैनल बन जाएगा, और मोनो पे आप इसे यूज़ करेंगे फोर वे में। फोर वे में कैसे यूज़ करेंगे, आप इसमें हाई और मिड और मिड हाई और लो, ये चार आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सेम बिल्कुल ही ऐसे ही है, इसको अगर आप इस बटन को अंदर प्रेस करेंगे और इसको भी अंदर प्रेस कर देंगे तो यह हो जाएगा नॉट वैलिड, आपका क्रॉसओवर काम ही नहीं करेगा और आप ढूंढते रहेंगे कि मेरे क्रॉसओवर से आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए इन स्विचेस का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स नंबर थ्री पे जब आप इसको प्रेस बाहर कर देंगे और इसको अंदर प्रेस कर देंगे तो यह आपका थ्री वे मोड में काम करेगा, एक से लो आउटपुट होगा, एक से मिड और एक से हाई, और एक ही इनपुट इसमें काम करेगा। फ्रेंड्स जब आप इसको अंदर कर देंगे और इस बटन को बाहर कर देंगे तो यह टू वे मोड में काम करेगा, आपको लो और हाई ये दोनों काम करेंगे, मिड आपका ऑफ हो जाएगा, ये हाई और मिड। आप इस पे हाई पे ही, आपको ये नहीं है कि हाई फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी, आप जैसा आगे से सेलेक्ट करेंगे वही फ्रीक्वेंसीज इस पे आउट मिलेंगी जब आप इसको टू वे मोड में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों ये जो स्विच है लो फ्रीक्वेंसी को सम करने का ओनली, तो यह फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे सम कर सकते हो तो आपको तीनों चैनल्स में फ्रीक्वेंसी लो की हल्की हल्की फ्रीक्वेंसी आपको आ जाएगी। और फ्रेंड्स फिर इसी चैनल के लिए यह पे 10 गुना क्रॉसओवर बढ़ाने के लिए है और यह है इसका इनपुट। अब चलता हूँ लेकर के इसकी टेक्निक्स वगैरह सारी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें केबल इनपुट कर दिया है और दोस्तों एक टेक्निक तो यहीं से शुरू हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इसमें केबल्स यूज़ करें किसी भी क्रॉसओवर में, आपको हमेशा बैलेंस केबल ही इनपुट करनी है। ये बैलेंस केबल है, इसके तीनों पिन पे वायर लगी होती हैं और अनबैलेंस में सिर्फ दो ही पिन यूज़ होती हैं, एक ही पिन पॉजिटिव होती है और दो को ग्राउंड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स आप अगर बैलेंस केबल इनपुट करते हैं तो इसमें 50 किलो ओम्स का सिग्नल इनपुट हो जाता है, अगर आप अनबैलेंस करेंगे तो सिर्फ यह 25 किलो ओम्स ही इनपुट लेगा। और फ्रेंड्स ये मैंने इसका लो का आउटपुट है और ये मिड का हाई मिड का आउटपुट है और ये हाई का आउटपुट है। फ्रेंड्स ये वाली केबल्स भी आपको बैलेंस केबल ही यूज़ करनी है, ये वाली केबल भी मेल वाली आपको बैलेंस यूज़ करनी है। और फ्रेंड्स ये जो 1, 1, 2, 3 नंबर लिखा है, इन कौन सी केबल्स पे कौन सा आप यूज़ करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वायर आप यूज़ करेंगे। ये तीनों वायर लग चुकी हैं, अगर आप इन केबल को अनबैलेंस केबल यूज़ करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 300 ओम्स, अगर आप बैलेंस केबल यूज़ करते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा 600 ओम्स और आपकी क्वालिटी होगी नंबर वन। फ्रेंड्स पहली ट्रिक तो यहीं पे आपको मिल चुकी है, आगे बहुत सारी ट्रिक्स फ्रंट पैनल में देने वाला हूँ, उनको ज़रा ध्यान से देखिए। आप इस कनेक्शन को एक बार अपनी नज़र में डाल लीजिएगा, ये इनपुट हो चुका है, लो हाई मिड और हाई आउटपुट हो चुके हैं। अब इनको मैं आगे फ्रंट पैनल में इनके नाम बोलता रहूँगा, आपको समझते रहना है कि मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फाइनली दोस्तों यह रहा DBX प्रोफेशनल, ये है इसका चैनल वन, फर्स्ट लुक आप इसका आगे का देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये इसका फर्स्ट लुक है और ये रहा इसका मॉडल नंबर 234XS 234 वे क्रॉसओवर। और दोस्तों शुरू करता हूँ इधर सबसे पहले बटन से। फ्रेंड्स ये बटन, ये जो वॉल्यूम स्विच है, यह वॉल्यूम स्विच वह स्विच है जिसमें मैंने पीछे से अपनी इनपुट केबल लगाई है, जो इनपुट सिग्नल पीछे से आएगा उसको आप यहाँ से कितना इस क्रॉस ओवर में देना है, इसके बोर्ड को कितना आपको इनपुट देना है ऑडियो का, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और इसको सेलेक्ट करना है आपको हमेशा 0 dB। फ्रेंड्स अगर आपको इसको हमेशा 0 dB ही सिलेक्ट करके रखेंगे तो आपका जो इसके ऊपर जो आपने आउटपुट सिस्टम लिया है पूरा का पूरा बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी उसमें बनी रहेगी। फ्रेंड्स ट्रिक्स यहीं से शुरू हो जाती हैं, ये आ चुका है देखिए मेरे पास 40 हर्ट्ज़ का स्विच, और इस स्विच का यूज़ मैं आपको आज बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त स्विच है मेरे सभी क्रॉसओवर रखने वाले फ्रेंड्स के लिए बहुत ही काम की बात ये मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको बारीकी से देखते जाइएगा पूरी वीडियो में, जितने भी बटन इसमें लगे हैं हर बटन का राज आपको मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो काम है या इंडिकेशन स्विच, ये इंडिकेशन इधर क्यों है, इतना भी इसमें इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी आपको शुरू कर देता हूँ यहीं से, जैसे आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो आपने मान लीजिए कहीं पर DJ बजाया हुआ है, आपका DJ बहुत तेज़ बज रहा है और आपकी बेस पे धप 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 बेस जा रही है, और फ्रेंड्स देखिए
जब भी आपका डीजे बजता है तो आपका स्पीकर, जैसे बेस बजेगी तो स्पीकर आपके नज़दीक ऐसे बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। अब जैसे ही आपकी बेस बजी, धूम, स्पीकर फैल गया, ऐसे फैल गया, और फैलने के बाद वो रिटर्न नहीं हुआ है अपनी जगह पे, उसका उसकी कॉइल रिटर्न नहीं हुआ है, फिर से पीछे से बेस आ गई है, तो क्या होगा, आपकी बेस फटने लगती है। और फ्रेंड्स, जब आप इस स्विच को ऑन कर देंगे तो आपकी बेस में जो जैसे पंच आएगा, पंच आते ही उसके पीछे जो 40 हर्ट्ज़ के नीचे की फ्रीक्वेंसी हैं उनको ये काट देता है। उनको कटने से क्या होगा, आपका स्पीकर बहुत जल्दी फ्री हो जाएगा और वापस अपनी जगह पे चले जाएगा और दूसरे पंच को फिर से ले करके आपको रिटर्न करेगा बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ। और फ्रेंड्स, यह पहली ट्रिक्स आपको बहुत ही कामयाब करेगी। ये इसको फ्रीक्वेंसी को हमेशा आपको काट ही देना है, इसका यूज़ नहीं करना है 40 हर्ट्ज़ के नीचे की फ्रीक्वेंसी, और आपके बेस के स्पीकर फूकेंगे ही नहीं और आपकी इस बेस में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आएगी। अब दोस्तों, ये है इसका जो क्रॉसओवर में आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। ये जो तीनों आउटपुट हैं, ये तीनों गेन हैं, ये लो का है, ये लो का आउटपुट है, और ये लो मिड का आउटपुट है, ये हाई का आउटपुट है। और फ्रेंड्स, ये जो दो स्विच हैं, ये दोनों स्विच, इन दोनों स्विच से आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। दोस्तों देखिए, यह लो से और मिड तक की फ्रीक्वेंसी सेट करेगा, यह मिड से और हाई तक की फ्रीक्वेंसी सेट करेगा। अब देखिए, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पे क्या यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको लो की फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। आपके हमारे लो के स्पीकर्स हमेशा ये 45 हर्ट्ज से लेकर के 120 हर्ट्ज तक काम करते हैं। आप जब इसको यहाँ पर रखेंगे 80 के आसपास, 80 हर्ट्ज़ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेस मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी बेस में एक गूंजपन चाहिए तो आप यहीं पे लीजिएगा। अगर आपको बेस में थ्रो चाहिए, पंच चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपकी बेस में पंच आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगर बिल्कुल ही आपको बेस बिल्कुल ही गोल करके बजाना है तो आप इसको यहाँ पर यूज़ कीजिए, तो आपकी बेस बिल्कुल ही गोल बजेगी, एक मिठासपन आपकी बेस में बना रहेगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कुछ मेरे फ्रेंड्स बेस से परेशान हो जाते हैं, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कामयाब होने वाली चीज़ है। या आप यहाँ पे इसको रखेंगे तो बेस आप सिर्फ फील करेंगे, आपके कपड़े नहीं लेंगे, फील पूरा करेंगे, और आपको पंच भी नहीं लगेगा छाती में, कोई पड़ोसी परेशान भी नहीं होगा। और अगर पंच लेना है तो आप यहाँ आ जाइए, यहीं पे सेटिंग इसकी ज़बरदस्त रहेगी। ये मैंने इसको लो के लिए सेट कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को सेट करेगा। अब जब आप इस पे हाई और मिड दोनों लेना चाहते हैं तो आपको आपको पता होना चाहिए कि हमारी हाई की फ्रीक्वेंसी यहाँ से आगे आगे काम करती है, यहाँ तक हमारी मिड फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो दोस्तों, आपको इसको बटन को यहाँ पर रख लेना है, इस स्विच को यहाँ पे रख लेना है, आपको दोनों आउटपुट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे, हाई भी और मिड भी। और फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पे अपनी बेस सेट की है, इस बेस को आपको कितना वॉल्यूम देना है ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से, और ये वॉल्यूम हमेशा होता है 0 dB। दोस्तों, आप इसको 0 dB सेलेक्ट कर लीजिए। और नंबर टू, ये आ चुका है इन्वर्टर, ये है फेस चेंजर। दोस्तों, दो नंबर ट्रिक्स यहाँ से शुरू हो जाती है, और ये है फेस इन्वर्टर स्विच। मान लीजिए, इस फेस इन्वर्टर स्विच का काम आज आपको सिखा देता हूँ। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं, आपको कोई नहीं बताता है। दोस्तों, मेरे चैनल पे ये चीज़ें आपको मिलती हैं हमेशा और मिलती रहेंगी, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, जब भी आप इस स्विच को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इस स्विच के पीछे आपने अपना बेस लगाया है, जहाँ पर आपको बेस चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपको उसमें बेस नहीं चाहिए, आपको बेस दूसरे में चाहिए, तो आप इसको फेस इन्वर्टर स्विच को ऑन कर लीजिएगा तो आपको बेस दूसरे आउटपुट में चेंज हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मिड और हाई, आप चाहते हैं कि आपका मिड और हाई चेंज कर दें तो वहाँ पे भी यह लागू हो जाएगा। ये देखिए, आपका मिड अगर आपने इधर से लिया है तो आपका मिड इधर चला जाएगा, HF इधर से लिया है तो HF इधर से इधर चला जाएगा। ये फेस को इन्वर्टर कर देता है फ्रेंड्स, और ये स्विच बहुत ही ज़बरदस्त काम आते हैं। किस में ये स्विच काम आते हैं? लाइव साउंड सेटअप में। ये दोनों, बेस को तो बहुत कम यूज़ किया जाता है, मगर लाइव साउंड सेटअप में इन चीज़ों को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी पड़ती है दोस्तों। और वो क्यों पड़ेगी, मैं अभी आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसको भी 0 dB आउटपुट ले लीजिएगा, इसको भी 0 dB आउटपुट ले लीजिएगा, और ये भी फेस इन्वर्टर स्विच, आप समझ गए होंगे।
कि इसको फेस इन्वर्टर, आप इसको फेस चेंज कर सकते हो, इसका भी और इसका भी, लो मिड और हाई तीनों का फेस इन्वर्टर कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों जो भी आप फेस इन्वर्टर आपने लगाया हो, इन स्विचेस का ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपने किसको चेंज किया है, आप इसको ऑफ करके रखिएगा, इनको हमेशा ऑफ ही रखते हैं, कोई फेस इन्वर्टर करने की ज़रूरत वैसे मुश्किल ही पड़ती है दोस्तों। अब आ जाते हैं यहाँ पे मोनो और स्टीरियो। फ्रेंड्स इन इंडिकेशन को आप समझिए, बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप इसको फोर वे मोड में यूज़ करें तो आप इधर वाले चैनल को यूज़ करें, इसलिए यह इंडिकेशन भी इधर ही दिया गया है। और जब भी आप इसको स्टीरियो में यूज़ करें, थ्री वे और टू वे मोड में यूज़ करें, तो आप इसको इधर से यूज़ करें। बिल्कुल ही सिंपल लिखा है, देखिए हाई आउटपुट, हाई मिड आउटपुट और ये लिखा है लो आउटपुट। ठीक है दोस्तों, लो आउटपुट, मिड आउटपुट, हाई आउटपुट। और इसमें क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसको मोनो मोड में यूज़ करेंगे तो यही इंडिकेशन आएगा, अभी यह स्टीरियो मोड में है तो ये इंडिकेशन आ रहा है। फ्रेंड्स इतने चैनल में तो ये मैंने डीजे की सेटिंग आपको दिखा दी है। अब नेक्स्ट चैनल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि लाइव साउंड सेटअप में आपको इसको कैसे यूज़ करना है और इस पर किस पे क्या आउटपुट निकालना है और इसको कैसे आप यूज़ करेंगे, ये पूरा सिस्टम मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप इसको टू वे, थ्री वे, फोर वे जैसा मर्जी यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स जब आप इसको लाइव साउंड सेटअप में यूज़ करते हैं तो आपकी सारी, बहुत सारी सिरदर्दियाँ समाप्त हो जाती हैं। ऐसे कैसे समाप्त होंगी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको साउंड सेटअप, आपने कहीं पे अपना साउंड सेटअप लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके जो 12 इंच के कॉलम हैं उनमें किसी भी तरह के किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बेस ना जाए, तो आपके लिए क्रॉसओवर वहाँ पे रामबाण इलाज होता है। दोस्तों आप इसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप इससे आउटपुट लेंगे, वो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और देखिए दोस्तों आपने कोई भी इनपुट इसमें लिया है, हमेशा 0 dB रखिए, 40 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज को कट कर दीजिएगा, इसको ऑन कर दीजिएगा, इंडिकेशन आ गया है। और दोस्तों अब आपको यहाँ पे मिड और हाई अपना सेलेक्ट कर लेना है और लो। मान लीजिए आप साउंड सेटअप में आपने इसके ऊपर अपने टॉप लगाए हैं स्टेज के लिए, स्टेज पे जो आपने कॉलम लगाए हैं उन कॉलम्स में आप चाहते हैं कि आपकी बेस ना जाए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बेस बहुत कम जाए, हर फ्रीक्वेंसी उस पर एक सही मात्रा में जाए। आपके 12 इंच के कॉलम 3 kHz से लेकर के 20 kHz तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कैच करेंगे या 16 Hz तक की फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे, आप उसको यहाँ पे सेट कर दीजिए और अपना आउटपुट यहाँ से लेकर के अपने एम्पलीफायर में दे दीजिएगा। हाई और मिड यहीं से मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। हाई और मिड दोनों आउटपुट आपको यहीं से मिलेगा, एक ही स्विच से आपको एक ही गेन से दोनों चीज़ें आउटपुट होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेस जाती है वो भी नहीं जाएगी और यहाँ पे जो आपने 12 इंच कॉलम लगाए हैं वो आपके बिल्कुल ही परफेक्ट बजेंगे। लाइव साउंड सेटअप में यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे 12 इंच के कॉलम पर कौन सी फ्रिक्वेंसी, कौन से इंस्ट्रूमेंट का बेस जाए या नहीं जाए, ढोलक का बेस जाए या नहीं जाए, ढोल का बेस जाए या नहीं जाए, आपको पैड का बेस जाए या नहीं जाए। इसको लगाने के बाद ये झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको लगा लेंगे और आउटपुट अपना यहाँ से ले लेंगे मिड और हाई में से। और फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जैसे आपके स्पीकर हैं और आप फुल आउटपुट दे दीजिएगा स्टीरियो से निकाल के, इसमें इनपुट कर दीजिएगा और इससे आउटपुट निकाल करके आप अपने एम्पलीफायर में लगा लीजिएगा। दोस्तों आपको कितना भी इंस्ट्रूमेंट वाला कितना भी ज़बरदस्त तरीके से बजाए, आपके 12 इंच के टॉप क्वालिटी बिल्कुल सेम वही क्वालिटी बनी रहेगी और आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों इसका लाइव डेमो किसी दिन किसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स करना आपको इसको किस बारे में आपको इसको पूछना है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।